कल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच के दौरान जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद बार्ड ने ड्रीम इलेवन पर फर्स्ट रैंक हासिल करके 2 करोड़ रुपये जीते हैं। आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कल जो आईपीएल सीजन के 2023 के सेशन का 46th मैच खेला जा रहा था आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में, जिसमें पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 214 स्कोर बनाए थे और बाद में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर से पहले ही वो स्कोर जो चेज कर दिया, और जिसमें जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद बार्ड ने फर्स्ट रैंक हासिल की और 2 करोड़ रुपया जीता है। ये कंटेस्ट जो था ये ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया था और अब्दुल रशीद बट की फर्स्ट रैंक आई है। अब्दुल रशीद बट ने ईशान किशन को अपना कैप्टन बनाया था, जिन्होंने उनको 256 पॉइंट दिए थे। उसके अलावा जो उनका वाइस कैप्टन था वो लाइम लिविंगस्टन थे, जिन्होंने उनको 172.5 पॉइंट दिए थे। जितेश शर्मा ने भी कल बहुत अच्छी बैटिंग की, उनने भी 72 पॉइंट दिए। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी उनको 96 पॉइंट दिए और मैथ्यू शॉट और शिखर धवन ने भी 45 पॉइंट दिए। कल पीयूष चावला ने भी 2 विकेटें हासिल की थी, उन्हें भी उनको 62 पॉइंट दिए। नैथन एलिस जो इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे उन्हें 54 पॉइंट दिए और अर्शदीप सिंह और क्रिस ग्रीन ने भी 31 पॉइंट दिए। अब्दुल रशीद बट जो सोशल मीडिया पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि वो जम्मू कश्मीर के ज़िला बुडगाम के रहने वाले हैं, जो उनके गांव का नाम मागम एस के पूरा बताया जा रहा है। करंट उनकी जो एक्यूरेट जो उनकी डिटेल है वो कहाँ के रहने वाले हैं इसका हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़िला बुडगाम के कहा जा रहा है कि रहने वाले हैं और उनकी फर्स्ट रैंक आई हुई है। अब्दुल रशीद बट हम आपको बता दें कि आज या कल से ड्रीम इलेवन नहीं खेल रहे हैं। जो मैंने उनकी प्रोफाइल पढ़ी है वो जुलाई 2018 से लगातार ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम बना रहे थे और आज तक उनने 10,000 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो हैं वो ड्रीम इलेवन पर लगाए हैं। और कल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच के दौरान जो उनकी किस्मत चमकी और उनकी 95 लाख से ज़्यादा लोगों ने जिस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया था उनमें उनकी फर्स्ट रैंक आई है और उनने 2 करोड़ रुपया जो ड्रीम इलेवन में जीता है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो।